잘 지나. Hello, hi. Are you? मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, जब खाऊंगी तब क्या होगा पता नहीं। तो आना जाना लगा रहा और आए थे आज मेरे बहुत ही मेरे मामा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आप सबका ज्योतिष ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी खूब 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 अच्छी हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो चुका है सुबह, अभी बज गए हैं 6:15, कुछ ज्यादा या लेट हो गया है मेरा आज उठने में। मैं उठी थी 5:45 में, लेकिन बेटा नहीं उठा था बोल के मुझे सोना पड़ा। अगर मैं उठ जाती तो वो बहुत झुंझुन से रोता। तो अभी मैं सबसे पहला काम करूंगी उसका यूनिफॉर्म को यहाँ से लेके जाऊंगी, क्योंकि आज है उसका स्कूल। पापा यहाँ पे यूनिफॉर्म आयरन करके रखे हैं दोस्तों। तो ये है उसका यूनिफॉर्म, तो ये है आज का उसका यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म मैं उसका निकाल लेती हूँ। और अभी तक मैंने बिस्तर समेटा नहीं है, घर झाड़ू नहीं लगाया है, खाली आप लोगों से बातें करने के लिए मैं आ गई। देख सकते हो तो बिस्तर का हालत वैसे का वैसे ही है। मैं बिस्तर को समेट लूँगी, उसके बाद पटपट झाड़ू लगा लूँगी, मैं फिर नीचे जाके बेटे को ब्रश करूँगी, खुद ब्रश करूँगी, फिर और जो जो काम है वो सब करूँगी। तो बने रहो मैं ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों मैं अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद चली जाऊँगी स्कूल छोड़ने के लिए बेटे को, मतलब तैयार होने के बाद। तो मैं स्कूल में छोड़ के आज आ गई, वहाँ रुकी नहीं, पापा बोले बहुत टाइम है, घर चल, 1 घंटा 1.5 घंटा भी क्या करेगी। तो मैं घर आ गई दोस्तों, और अच्छा हुआ कि मैं घर आ गई। घर में मैं काम में हाथ में लगा दी, जैसे मैं ये खेरो बोलते हैं दोस्तों, इसको मसूर दाल के साथ मम्मी पका के रखेगी, और यहाँ पर मैं मसाला पीस लूँगी। अभी घूघनी बनेगा, तो घूघनी में क्या क्या मसाला लगता है आप लोगों को पता ही है, अदरक लहसुन जीरा धनिया हल्दी मिर्ची यही सब लगेगा। तो मैं लहसुन और अदरक को पीस लूँगी, और अभी मेरा जो घूघनी है वो बनानी है ब्रेकफास्ट के लिए, तो घूघनी को भी बना लूँगी। बेटा अभी नहीं है तो घर बहुत ही शांत लग रहा है, और लग रहा है कि घर में कोई है ही नहीं, और काम भी फटाफट हो जा रहा है। तो मैं इसको देख सकते हो अभी कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और तेल दे दी हूँ, तेल में प्याज भी दे दी हूँ, और वो दोनों पक्ष को अच्छे से मसाला डाल दी, फिर मसालों को फ्राई अच्छे से कर लूँगी जब तक इसका स्मेल ना जाए कच्चा कच्चापन, तब उसके बाद इसमें घुघनी डाल दूँगी। सभी को पता है दोस्तों, और घुघनी बनाने के बाद मैं सीधे आ गई छत के ऊपर वाले रूम में घर पोछे लगाने के लिए। तो मैंने एक रूम लगा लिया है, और एक रूम लगाने वक्त आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मेरा कोई प्लानिंग नहीं था घर पोछा लगाने का, कल मैं पोछा लगाती, लेकिन बेटा जब नहीं है तो इसमें मौके में चौका मारना तो मेरा फर्ज बनता है, मतलब मजाक था। मतलब अभी बेटा नहीं है तो घर शांत है, और वो ऊपर आके बार बार मुझको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, तो इस मौके में मैं घर को अच्छे से समेट के और झाड़ू लगा के, झाड़ू तो लगा के गई थी पोछा। हेलो फ्रेंड्स, आ गए आप लोगों के बीच, अब बज गया है 9:15। तो मैं जैसे घर पोछा लगा ली हूँ पूरा टिप एंड टॉप करके, और फुट मैट को भी दे दूंगी नीचे। तो दोस्तों मैं घर पोछा लगाने का समय मुझे इसलिए मिल गया क्योंकि मेरे बेटे को मैंने स्कूल छोड़ दिया है, और स्कूल छोड़ने के बाद मैं वहाँ पर रुकी नहीं, आज घर आ गई। घर में आने के बाद मेरा बहुत सारा काम हो गया, जैसे मसाला पीस ली, सब्जी काट ली, बस आऊँगी ब्रेकफास्ट करूँगी, बेटे को फ्रेश कर दूँगी, उसके बाद खाना बना लूँगी। तो जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि बेटे को मैं इस वजह से पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ, तो पढ़ा नहीं पा रही हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, टाइम नहीं दे पा रही हूँ उसको थोड़ा सा भी। तो मैं अभी स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा खाना जल्दी जल्दी बनाने के बाद उसको पढ़ाऊँगी। और जैसे कि घर मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया, कल भी पोछा लगाई थी लेकिन आज मैं और अच्छे से पोछा लगा ली, क्योंकि कल मेरे बेटे ने टॉयलेट कर दिया था ऊपर सीढ़ी में बदमाशी करके, और वो पूरा पूरा छूते हुए नीचे आया था तो येल्लो हो गया था, फिर उसको उस जगह कल मैं पोछा नहीं लगाई थी, क्योंकि कल फिर दो बार पोछा लगाने से फिर गर्मी भी बहुत था तो मैंने नहीं लगाई। देख सकते हो पसीना का सेटअप,
बस बारिश हो जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। अभी का मिजाज ऐसे ही है मौसम का कि थोड़ा सा बारिश हो जाने से ठंडा हो जाता है और धूप होने से गर्म हो जा रहा है। तो कोई बात नहीं, ये तो प्रकृति का नियम ही है, वो होता ही रहेगा। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा बकवास ना करके अभी नीचे जाऊँगी। नीचे जाने के बाद देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, उसके बाद बेटे को स्कूल से लेके आऊँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो खाना बनाने के बाद आप लोगों से शेयर करूँगी मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, मतलब पूरा एक्टिविटी को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों मैं बेटे को स्कूल लेने के लिए वापस आ गई हूँ और स्कूल के गेट में खड़ी हूँ। आज नर्सरी ए की लड़कियों को पहले लाया गया है, अभी आ रहा है नर्सरी बी का बॉयज़ टोला। तो इस टोले में मेरा बेटा है या नहीं मैं देखती हूँ। तो इस टोले में मेरा बेटा है और बहुत आन और शान के साथ मेरे पास स्कूल से बेटे को लेके आ गई हूँ और सीधे ड्रेस चेंज करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई हूँ किचन, किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब्जी काट के रखा है, यहाँ पे दाल उबाल के रखा है, वो भी एक लौकी जैसा होता है, खेड़ो बोलते हैं उसको बंगाली में। तो उसके साथ मैं आज दाल बना रही हूँ, वो भी मसूर का। तो इसमें छौंक लगा लूंगी, छौंक लगाने से पहले मैं इसमें दे रही हूँ तेल, पचफोरन और दे दूंगी लहसुन। लहसुन थोड़ा पक जाने के बाद इसमें दे दूंगी मैं प्याज, और प्याज भी जैसे पक जाएगा उसके बाद डाल दूंगी दाल। तो दाल में थोड़ा सा हल्दी, नमक और चीनी देखे मैंने बॉईल करके रखा है दोस्तों। और मिर्ची यहाँ से ले रही हूँ, मिर्ची डाल ले रही हूँ, और उसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। तो प्याज देने के बाद कोई मसूर का दाल छौंक लगाने से उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है, ऐसा सबका कह मानना है। तो मैं भी आज प्याज के साथ ही छौंक लगाऊंगी। अब यहाँ पे चावल के लिए पानी गर्म हो रहा है दोस्तों, जैसे पानी गर्म हो जाएगा इसमें चावल डाल दूंगी। तो मैं आप लोगों के साथ खाने का रेसिपी डेली शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी ये प्याज थोड़ा सा ब्राउन होने तक मैं इसे पकाऊंगी। प्याज ब्राउन होने से मैं इसे डाल दूंगी। तो एक हाथ में करना डालना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि मैं एक हाथ से ही आप लोगों के बीच ब्लॉगिंग कर रही हूँ और एक हाथ से खाना बना रही हूँ, तो हाथ दर्द देने लगता है, कहीं होल्ड करने का भी जगह नहीं, इतना लंबा स्टैंड नहीं है। सोच रही कि मैं स्टैंड लूँ अभी, तो कब लेती हूँ देखती हूँ, मेरे हस्बैंड आने के बाद ही शायद लूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ये सब का मतलब खरीदने का आइडिया ना हो, कहाँ मिलता है वो चीज़ का आइडिया ज़रूर है। और ऑनलाइन मैं मंगाना इसलिए नहीं चाहती हूँ कि ऑनलाइन का अगर मुझे फिर पता ना चला कितना लंबा मतलब कैसा होगा, तो कोलकाता जाऊँगी तो लेके आऊँगी, सोचूंगी सोच रही हूँ। तो यहाँ पर दाल डाल दूंगी, दाल को दाल में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया। आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं स्कूल जाने से पहले ही मतलब स्कूल बेटे को छोड़ के आई, वापस घर आ गई थी। तो फिर मैं घर वगैरह पोछा लगा ली थी और मसाला भी पीस के रखी हूँ इस सब्जी के लिए। लहसुन पीस लिया, अदरक पीस लिया और थोड़ा सा प्याज, और ये है सब्जी, और आम का चटनी बनेगा जैसे कि, और दाल और अंडा का ऑमलेट, बस इतना ही रहेगा हमारे आज लंच मेन्यू में। तो मैं आप लोगों के साथ जो भी होगा वो शेयर करती रहूंगी, तब तक दाल उबल जाए और मैं चावल को धो के भी चावल डाल दें। दोस्तों मैंने कढ़ाई में तेल और प्याज डाल दिया है और उसके बाद सब्जी, और उसमें हल्दी, सब्जी मसाला, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, इन सब को डाल के मैं फंस लूँगी। उसके बाद मैं मिलती हूँ, कब पता नहीं दोस्तों। तो आप लोग किसी सीधे आ गई हूँ मिलने के लिए मैं शाम को, रात के खाना खाने के टाइम, तो खाना खाने के टाइम नहीं सॉरी खाना बनाने के टाइम। तभी मैं आटा को गूंथ के रख लूँगी, क्योंकि मेरे घर में आज मम्मी के घर के रिलेटिव्स आए, मतलब मम्मी का जो रिश्तेदार है वो लोग आए हुए हैं, तो उनको डिनर में इनवाइट है हमारे घर में। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, वो बोल रहे रोटी खाएंगे, तो मैं रोटी बनाऊंगी या चिकन कोसा बनाऊंगी। तो चिकन कोसा का रेसिपी आप लोगों के साथ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उनको उन लोगों को भी चिकन कोसा और रोटी खाने का मन है। सलाद रहेगा और एक परवल कुंदरी आलू का फ्राई रहेगा। तो मैं दोस्तों आटा गूंथने के बाद काट लूँगी परवल आलू और कुंदरी, तो इन सब का फ्राई बनेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं, वो लोग खाना नहीं चाहते हैं, मतलब गर्मी का मौसम है और रात को इतना हेवी चीज़ खाना नहीं चाहते हैं, बस चिकन कोसा ही रहेगा
और भुजिया रोटी रहेगा। तो दोस्तों मैं ये काटने के बाद पीस लूँगी मसाला, क्योंकि चिकन में लगने वाला है बहुत सारा लहसुन और बहुत सारा अदरक। तो लहसुन को पहले पीस लूँगी, उसके बाद पीसूँगी मैं अदरक। तो मैं ग्राइंडर की सहायता से पीस सकती थी, लेकिन इतना थोड़ा मसाला की वजह से मैं ग्राइंडर का यूज़ नहीं की। मतलब थोड़ा बोले तो लहसुन और अदरक को पीसने में तो ज़्यादा मेहनत लगता है नहीं, इसलिए मैं ग्राइंडर का यूज़ नहीं किया। अगर जीरा पीसती तो मैं ज़रूर ग्राइंडर यूज़ करती। तो मैं देख सकते हो लहसुन पीस लिया, अदरक भी पीस ली हूँ, और भी चढ़ा देती चिकन। तो चिकन में मैं बल्कि गर्म हो गया, प्याज को डाल दूँगी। और प्याज को तब तक पकाते रहूँगी जब तक कि बल्कि थोड़ा और ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे डाल दूँगी जो अदरक लहसुन जीरा हल्दी नमक सॉरी नमक नहीं धनिया का पाउडर डाल दूँगी। आज मैं इसमें कुछ भी खरीदा हुआ मसाला ऐड करने वाली नहीं हूँ। आ गई हूँ मैं आप लोगों के बीच, और देख सकते हो मैं बना रही हूँ चिकन स्पेशल। तो स्पेशल चिकन के लिए मैंने मसाला ऐड कर दिया है, यहाँ पे दे दिया है लहसुन अदरक हल्दी धनिया और जीरा। तो जो जो मसाला लगता है चिकन बनाने में वो सब मैंने ऐड कर लिया है, और इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी पहले। उसके बाद आप लोग अचानक लग रहा होगा कि मेरे घर में कभी भी नॉन वेज रात को नहीं बनता है, स्पेशली मटन हो फिश और या फिर चिकन। तो आज मेरे घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं मम्मी के घर से। हाँ, तो मेरा बेटा मेरा ही ब्लॉग देख रहा है, तो देख सकते हो घर घर में ब्लॉगिंग चल रहा है। और जिनके लिए मैं आज चिकन बना रही हूँ वो लोग है ये मौसी के घर से आए हैं, मतलब सीढ़ी से वहां आए हैं, मम्मी के रिश्तेदार है। तो ये है हेलो हाय, और ये है मेरी दीदी का बेटा जो मेरे घर के पास ही रहता है, और मेरे ब्लॉगिंग के बारे में पूछ रहा है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि दीदी आप बैकवाइज कैसे देते हो, एडिटिंग कैसे करते हो, किस ऐप से करते हो। तो ये सब मुझसे पूछ रहा है, तो ये करेगा नहीं, लेकिन बस पूछ पूछ के रख रहा है। पता नहीं कि अपने वाइफ को शायद से वो ब्लॉगिंग करना सिखाएगा या फिर बोलेगा करने के लिए। तो अभी वो शर्मा रहा है, लेकिन ये ऐसा है नहीं बिल्कुल भी शर्मा रहा है, लेकिन पीछे से बहुत कुछ बोल देता है, जैसे ब्लॉगिंग करना बेकार है, ये वो है तेन। उसके बाद भी मेरे से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो मैं बंगाली बोल दे रही हूँ दो तीन वर्ड, तो वो लोग हंस रहे हैं और मेरा गला फंस रहा है, पता नहीं क्यों गला बैठ सा रहा है। तो दोस्तों ये लोग आज रात को यहाँ पे हम लोग के घर में डिनर करेंगे आज, तो इसीलिए मैं चिकन बना रही हूँ। और रोटी ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, और आटा गूंथा अगर कम पड़ गया तो फिर बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है भिंडी आलू और कुंदरी, तो ये फ्राई कर लिया है, और चिकन भी थोड़ी देर बाद बन ही जाएगा। तो मैं हर बार की तरह जैसे चिकन बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ, इसमें कुछ स्पेशलिटी नहीं है इसमें। और इसमें ऐड करूंगी एक टमाटर मैं रखी हूँ मीडियम साइज का, उसे काट के इसमें डाल दूंगी। तो एक साथ मैं ब्लॉगिंग करना और चिकन बनाना बहुत पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो अभी मैं आप लोग से मोबाइल को थोड़ा रखती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से फिर से वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों चिकन को मैंने एक या दो बार धो लिया है, उसके बाद इसमें मसाले में डाल दूंगी। और अभी मसाला और चिकन दोनों एक साथ कसूंगी, और कलेजी को अलग से रख ली हूँ, क्योंकि अगर कलेजी में डाल दी स्टार्टिंग में ही चिकन के साथ तो कलेजी गल जाएगा और मुझे नामो निशान तक नहीं मिलेगा इस चिकन के अंदर, मुझे कूद के ढूंढना पड़ेगा। मजाक था, बेटे को मतलब खिलाना है ना, इसीलिए इसे लास्ट में दूंगी, ताकि ये मुझे जैसा है वैसा एज इट इज़ ऐसा ही मिले। तो अभी मैं चिकन को अच्छे से कस लूंगी और उसके बाद इसमें पानी डालूंगी। दोस्तों चिकन मेरा लगभग होने के कगार में है, लेकिन हुआ नहीं है अभी तक, हो जाएगा आई थिंक, देख सकते हो। तो आप लोगों को चिकन का कलर और चिकन कैसा लग रहा है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों बहुत गर्मी है, गर्मी में बना रही हूँ, मतलब हॉट हॉट सा और हॉट हॉट सा खाना, मतलब आजकल आपका खाना तो जम जाएगा कोई नो डाउट। और अभी मेरे बेटे को भूख लगी है, तो मैं बहुत जल्दबाजी कर रही हूँ कि जल्दी बने, क्योंकि उसको खिलाने लायक कभी कुछ है भी नहीं, और उसका चिकन का जूस के साथ ही वो अभी खा पाएगा। तो मेरे मुँह में अभी से पानी आ रहा है,
जब खाऊंगी तब क्या होगा पता नहीं। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं ऊपर और देख सकते हो कितना पसीना है। थोड़ा सा एसी को ऑन किया है दोस्तों आज बहुत दिनों बाद, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है ऊपर के घरों में। और मेरा बेटा बोल रहा है हेलो दोस्तों मत करो मम्मी, मम्मी खेल रहा है अपने मन से। और अभी जैसे कि हम लोग डिनर करके ऊपर आ गए हैं, तो डिनर में आप लोगों को पता ही क्या था, चिकन कोसा रोटी और भिंडी सॉरी कुंदरी परवल आलू का फ्राई। तो दोस्तों आज का दिन मिला जुला मेरा ठीक रहा, क्योंकि मेरे घर में गेस्टों का आना जाना लगा रहा। और आए थे आज मेरे बहुत ही मेरे मामा लगते हैं, बहुत ही खास है हम लोगों के लिए, मेरे मम्मी के बड़े पापा का बेटा। तो वो लोग गए नहीं है, यहीं पर दुमका में ही है, लेकिन वो अपने ससुराल में है। तो वो मेरे घर वापस आएंगे तो मैं आप लोगों को उसे ज़रूर इंट्रोड्यूस कराऊंगी उनका, मतलब मिला दूंगी। वो मेरे घर आएंगे एक दिन लंच के लिए, तो मैं उसी समय आप लोगों से मिलाऊंगी, इसीलिए मैंने आज मिलाया नहीं उन लोगों से आप लोगों को। तो और आप लोगों को शाम को तो पता ही है कि मेरे घर कौन आया था, मेरे मम्मी के मतलब मम्मी का दूर के रिश्तेदार का एक नाती लगता है मम्मी का, वो आए थे। तो आए थे नहीं मतलब यहीं पे है, दुमका में ही है, आए हैं। तो मेरे घर से भी चले गए, तो वो हमारे घर में डिनर किए थे, तो उन्हीं के लिए मैंने चिकन कोसा रोटी ये सब बनाया था। वो रोटी खाएंगे बोले, चावल नहीं खाएंगे, पूरी पराठा तो नहीं खा सकते, गर्मी का मौसम है। और हम जो बंगालीज हैं उनको रात में थोड़ा रोटी ये सब रोटी ही ज़्यादा पसंद है, चावल और रोटी। ओ मेरा बेटा बोल रहा मम्मी ये बात मत बोलो दूसरा बात बोलो। तो बेटा और क्या बात बोलो, अब तो रखने का टाइम हो गया है लगभग। और मेरा बेटा यहाँ पे खिलौनों के साथ अपना खेल रहा है। तो हो गया है दोस्तों रात, अब हो गया है समय सोने का। तो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी और कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आप लोगों के बीच नए ब्लॉग के साथ, कुछ नए चीज के साथ। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर मेरा ब्लॉगिंग और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और जो मेरे चैनल को नहीं देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है आप लोगों, जैसे कि ये डायलॉग मैं हमेशा देती आ रही हूँ और आज भी दी हूँ। तो अभी मैंने अपने हस्बैंड से बात नहीं की हुई, उनको उनसे भी बात करना है। हाँ बाबा चले गए हैं बेटा, तो पापा चले गए। मेरा बेटा मेरे को बार-बार रिमाइंड करा रहा है कि पापा नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही पर समाप्त करेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।